हाय स्टूडेंट, आज हम एक वीडियो से देखेंगे। कई स्टूडेंट्स का डाउट था, व्हाट मेक्स ए कंट्री फेडरल, एक देश को क्या फेडरल बनाता है, क्या चीज़ें हैं जो फेडरल कंट्री बनाता है। कईयों का डाउट था, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपकी डाउट्स उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। कुछ भी हर देशों में कुछ ना कुछ होता है, हर देशों में अलग नियम कानून हैं, व्यवस्थाएं अलग हैं, और ऐसे कुछ व्यवस्था होती है जिस वजह से फेडरल करके गिना जाता है, फेडरल करके माना जाता है। सो लेट मी टेल यू व्हाट मेक्स ए कंट्री फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होते हैं, फेडरल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट इज ए सिस्टम, दिस नथिंग एल्स इज ए सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग ऑफ पावर बिटवीन ए सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एंड लोकल देयर स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या है फेडरल, या व्हाट मेक्स मीन्स क्या चीज़ें हैं कि जो सरकार डिवाइड करती है अपने पावर अथॉरिटी को, आपके अपने पास जो अधिकार है उसे डिवाइड करता है किसके बीच में, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल या स्टेट गवर्नमेंट, आपस में जो डिवाइड करते हैं उसे कहा जाता है या फेडरल। जहां डिवाइड नहीं होता है वो यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। यहां फेडरल जो है एक सरकार जो बनाते हैं अपने अधिकार को डिवाइड करती है, और फेडरल का हिंदी मीनिंग क्या है, संघीय या संघवाद फेडरलिज्म जो कहते हैं हम लोग, जो सिविक्स की दूसरा चैप्टर में है। ये अपने डिवाइड किया अधिकार को डिवाइड करते हैं और साथ मिलकर चलते हैं। देट आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द नेशनल गवर्नमेंट। सम एरियाज ऑफ पब्लिक लाइफ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। कंट्रोल द नेशनल गवर्नमेंट एंड सम एरियाज आर अंडर control of the local government. You might have seen in a school, school में क्या होता है, principal होते हैं, उसके नीचे coordinator, principal के नीचे vice principal, vice principal coordinators होते हैं, in charge होते हैं। ये अलग अलग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने अपने दायरे, अपना जो अधिकार जितना मिला है उस आधार पर उन लोग कार्य करते हैं। उसी तरह government में भी क्या होता है, अपने जो अधिकार को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिवाइड करती है, वो अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे जो सरकार है, जो अधिकार दिया जाता है उन्हें, उन लोग अपने हिसाब से उस जगह के लिए लॉ बनाते हैं, उस आधार पे काम करते हैं। अनदर क्वेश्चन आर देयर, इंडिया ए फेडरल कंट्री बिकॉज ऑफ द पोलिंग रिजर्व, और भारत देश, एक सवाल था व्हाट मेक्स इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। सो भारत क्यों हम फेडरल कंट्री करके कहा जा सकता है, क्या वजह है, क्या कारण के कारण, क्या वजह है या क्या रीजन है जिसे भारत को भी फेडरल कंट्री बनाता है, वो कारण सारे जब पता चलेगा तो आपको समझ में आएंगे फेडरल कंट्री कैसे बनता है भारत। सो फर्स्ट पॉइंट, there are levels of governments, central government, state government and local government. These three are, power has been divided हमारे देश में, central government है, state government है and local government है। ये आपस में अपने अपने क्षेत्र का ये रखवाली करते हैं और इस
अपने अधिकार के साथ शासन भी करते हैं. सो दिस थिंग मेक्स फेडरल. ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स ओवर द सेम रीजन बट दे हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन. हर लेवल के सरकार जो है अपने अपने अधिकार के साथ काम करते हैं और सबका ज्यूरिडिक्शन, न्यायालय जो विचार भी न्याय होना सब चीज़ अपने अपने क्षेत्र में है. जिस तरह हाई कोर्ट हर स्टेट में है एक्सेप्ट सम नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड सम स्टेट, फ्यू स्टेट इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन एंड लेजिस्लेशन. यहाँ राजनीति भी अपने लेवल पर होता है, केंद्र पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है और टैक्सेस भी जो आते हैं वो राज्य सरकार ही लेता है, सेंट्रल को देने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे हमारे अधिकार क्षेत्र में या अधिकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया है. एंड नेक्स्ट द गवर्नमेंट एट ईच लेवल डिराइव्स, सरकार क्या है हर लेवल पे अपना अधिकार को डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहाँ से बेस है, ये सारे व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे व्यवस्था कहाँ से आ रहा है, हमारे संविधान जो हमारे देश के सर्वोपरि और सर्वस्थान जो मिला हुआ जिसे वो संविधान, एवरीबडी इज अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और वहाँ पर ये सारे डिवाइड कर दिए, यहाँ पर सब कुछ बयान एक्सप्लेन कर दिया गया, इस तरह व्यवस्था बनाया गया है और हमारे कंट्री में इन्हीं कारणों की वजह से और ये सब वजह से क्या होता है, इंडिया बिकम्स फेडरल कंट्री. क्योंकि पहले से ही हमारे संविधान में ये उल्लेख या ये सिस्टम बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट पावर होगा, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होगा, जो पंचायत राज भी हम कहते हैं. दस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इजीली डिलीट द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. आप सभी सोचेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो जो चाहे वो कर सकते, नहीं, वो अपना पावर भी शेयर कर दिया गया है किसी स्टेट गवर्नमेंट को एंड लोकल गवर्नमेंट को. इतना आसान नहीं है कि उसको डिलीट कर देना, उसको मिटा देना, उसको लूज करना या उसको उखाड़ फेंक देना या निकाल देना, उस पावर को ख़त्म कर देना इतनी आसान नहीं है. उसके लिए क्या है, विधानसभा में सब मिल के चर्चा होता है और डिस्कशन के बाद जो पारित होता है सबके सहमति से, उसी के आधार पर कुछ भी चीज़ डिलीट हो सकता है, अन्यथा नहीं. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स गिवन टू द पीपल कैन नॉट बी चेंज्ड. और जो कुछ अधिकार डिवाइड कर दिया गया है और लोगों को दिया गया है ये बदल नहीं सकता है बाय ओनली वन टायर ऑफ गवर्नमेंट. और एक ही लेवल के सरकार में, जैसा थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट रनिंग इन आवर कंट्री, हमारे देश में थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनके सबके पास अपना अपने क्षेत्र का पावर है. केंद्र में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हमारे स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री जो करते हैं और लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है प्रधान के माध्यम से और विधायक भी होंगे, प्रधान जो करते हैं उस आधार पर होता है. इतना आसान नहीं होता है कि उनको पावर को पूरा ख़त्म कर दिया जाए जब तक सबकी सहमति ना हो. इट रिक्वेस्ट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एट बोथ लेवल. और जो कुछ करने के लिए भी दोनों लेवल में सहमति होना जरूरी है, इसलिए पार्लियामेंट भवन में चर्चा होती है. कोई भी चाह के भी एक व्यक्ति या एक गवर्नमेंट, एक लेवल सरकार नहीं कर सकती, ये सबके आपस सहमति से ही कुछ भी चीज अधिकार को डिल्यूट किया जा सकता, अन्यथा नहीं हो सकता. ये सारे कहाँ से हम लिखा गया है, कहाँ पर इसका बेस है, हमारे देश के संविधान में जब इस सारे दिया गया तब हम कह सकते हैं. और ये सब कारण है जो हमारे देश को क्या बनाता है, फेडरल कंट्री बनाता है. बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. हमारे देश में व्यवस्था बना हुआ है, दोनों सरकार स्टेट लेवल में भी, केंद्र लेवल में, इवन मैं कहूँगा
इवन आपके नगर लेवल में भी जो म्यूनसिपैलिटी होता है, जो नगर पंचायत में भी टैक्स ली जाती है, तो अपने अपने पास रखते हैं। जो कि केंद्र को जाना है वो सब गाइडलाइन में लिखा गया है, वो तय हो चुका है वो कितना परसेंट उनको जाना है। जिस तरह GST है, VAT है, इस तरह के टैक्स जो हों, ये सारी चीज़ें डिवाइड होता है, और जो डिवाइड होता है जो राज्य सरकार के पास, और जो उनमें से कुछ हिस्सा जाना है केंद्र के पास जाएगा। इवन नगर पंचायत में भी होता है इस तरह का टैक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए। सवाल एक था, व्हाट मेक्स ए कंट्री फेडरल? जब पावर को डिवाइड कर दी जाती है इन डिफरेंट लेवल टू गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल के जो सरकार उन पे, और उन लोग अपने स्वयं शासन करते हैं, इतने आसान नहीं होता है पावर, उनकी पावर को छीन लेना, जब तक सबकी सहमति ना हो। ऐसे ही जहाँ सिस्टम होता है उसे हम फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम या फेडरल कंट्री कह सकते हैं। सो इंडिया को क्यों कह सकते हैं? बिकॉज ऑलरेडी इट इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन थ्री लिस्ट व्हिच कंटेन सब्जेक्ट इन व्हिच द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर्म्स लॉ। और ये सारे क्या हमारे संविधान में, जिस तरह कहा कि हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें मेंशन कर दिया गया है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और तीनों गवर्नमेंट हैं, ये सारे कानून यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारे सब्जेक्ट में क्या है, लॉ बना सकते हैं। एंड तीनों, डोंट कन्फ्यूज, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत लेवल में नहीं, बल्कि स्टेट लेवल पे और यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज इन द यूनियन लिस्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके कानून बना सकता है? यूनियन लिस्ट, जो कि उनके अंतर्गत जो आते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लिस्ट, जो अपने राज्य के आधार पे राज्य की सरकार जो बनाती है अपने कानून, विधायक लोग जो कानून पारित करते हैं, आप लोग सुने होंगे, सब्जेक्ट रिलेट टू द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। और इस दोनों आपस में सहमति होता है, दोनों के अच्छाई के लिए, दोनों के बढ़ावा के लिए, दोनों देश की एकता के लिए होना चाहिए। ऐसे कानून को दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ एनी डाउट्स इज स्टिल, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।